क्लोजिंग में कहाँ लेवल्स टिकते हुए दिखाई देंगे। एक स्ट्रॉन्ग कमबैक देखने को मिला है, 21,137 का डे लो था, वहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो लगभग 300 पॉइंट की रैली निफ्टी ने अपने आप ही कमा ली, 238 अंकों का इजाफा। निफ्टी बैंक भी 45,000 के ऊपर वापसी दिखाता हुआ, ये भी इनफैक्ट ड्रैग कर रहा था मेजर हाफ ऑफ द सेशन के लिए और फिर रिकवरी आई है। टेक्नोलॉजी काउंटर्स आज फोरफ्रंट पर रहे हैं, यहाँ पर इन्फी जैसे काउंटर्स, टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स, HCL टेक जैसे काउंटर्स ने परफॉर्म किया, तो ये एक पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है। एक और क्षेत्र जहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी बनती दिखाई दी है वो मेटल्स, और मेटल्स में ऑफकोर्स वो खबर भी आ गई है कि चाइना ने दरअसल दरों में करीब 0.5% कटौती का ऐलान किया है, 5 फरवरी से ये लागू होंगी, लेकिन उससे पहले स्टॉक में मोमेंटम बनता हुआ। तो JSPL, हिंडालको, टाटा स्टील, नैलको जैसे काउंटर्स, सेल जैसे काउंटर्स, इनमें एक तरफा तेजी बनती दिखाई दी। ऑफकोर्स टाटा स्टील अहेड ऑफ नंबर्स वैसे भी 4% के गेंस दिखा पाने में कामयाब रहा है, लेकिन आज कुछ और स्टॉक्स हैं जो अच्छी खासी तेजी में आए हैं, उसमें आप गौर करिएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक बड़ा योगदान, जैसे हम अभी अभी मेंशन भी कर रहे थे, वो भी रफली डे हाई पर ही जाकर टिकता हुआ 2700 के आसपास टिकेगा। डॉक्टर रेड्डीज जैसे ट्रेड्स खूब जमे हैं, ओरो फार्मा में कुछ कुछ खरीदारी के अंश आज फिर आते हुए दिखाई दिए, तो ये कल फार्मा कंपनियों ने जो कुछ डिफेंसिव ट्रेड अपने नाम किया था वो आज भी जारी है। बैंकों में एक तरफ HDFC बैंक तो दूसरी तरफ ICICI बैंक, और ICICI बैंक के साथ साथ एक्सिस की धुलाई हुई है, तो HDFC, ICICI, एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट ट्रेड्स थे आज के। साथ ही आप देखिएगा निचले लेवल से कोटक में खरीदारी आई, और इंडसइंड बैंक जो कल खासा टूटा था वहां पर भी एक पुलबैक ट्रेड देखने को मिला है। इनफैक्ट पुलबैक ट्रेड मिड कैप साइड पर सरकारी कंपनियों में फिर देखने को मिला। REC PFC कल के आखिरी एक घंटे के बिगेस्ट लूजर्स थे, वहां पर वो पूरी भरपाई होती हुई लॉसेस की, 6-6%, 7-7% का इजाफा यहाँ देखने को मिला है। NHPC जैसे ट्रेड्स में हमने देखा एक पुल बैक ट्रेड क्लियरली बनता हुआ दिखाई दिया है। NLC में तेजी थी, BDL के नंबर्स के बाद भी हमने देखा उस स्टॉक में खरीदारी के अंश बनते दिखाई दिए। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हमने देखी खरीदारी, और फाइनली आज का दिन तेजी वाला उभर कर आया है। मार्केट ब्रेथ के लिहाज से बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है। लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप। कल जो पूरी स्थिति रेड में दिखाई दे रही थी आज काफी कंट्रोल में है, और अब स्क्रीन हो रही है फिर से ग्रीन, बारिंग आपका ICICI, एक्सिस, एशियन पेंट, अदानी पोर्ट, HDFC लाइफ, LTI, माइंडट्री और TCS, ये स्टॉक्स नहीं चले, लेकिन बाकी सब में तेजी बनती दिखाई दी। टेक महिंद्रा नतीजों से पहले 1400 पर क्लोजिंग, SBI लाइफ कल आएंगे नतीजे, उससे पहले 2.5% ऊपर। टाटा स्टील आज शाम को नतीजों का इंतजार रहेगा, 4% की तेजी वहां पर बनती दिखाई दी। तो ये कुछ स्टॉक्स रहे हैं जो फोरफ्रंट पर थे। ऑफ कोर्स आज हमने देखा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी खरीदारी बनती दिखाई दी IOC के नंबर्स के बाद, और BPCL भी 3.75% के गेंस पर जाकर टिक रहा है। ये है फिलहाल आज का क्लोज, 21,465 पर मार्केट जाकर टिका है, 227 अंकों की बढ़त इसने अपने नाम कर ली। निफ्टी बैंक में भी करीब करीब 60 अंकों का इजाफा रहा। लेकर आते हैं